रायगढ़ के बरमखेला की सरिया नगर पंचायत की लापरवाही से लोग संक्रामक बीमारियों की चपेट में फंस रहे हैं। दरअसल शहर में एक ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है तो वहीं दूसरी ओर गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। इससे शहर में संक्रामक बीमारियां पैर पसार रहे हैं। दूषित पानी पीने से लोग डायरिया, उल्टी, दस्त जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। लोग बीमारियों की चपेट में है तो जनप्रतिनिधि और अधिकारियों का ध्यान लोगों की इस परेशानी की ओर नहीं है। शाम से छुट्टी शुरू हुआ सबको हम हॉस्पिटल भेजे, हॉस्पिटल में ठीक होके आ गए, लेकिन रात भर ऐसा चलता रहा कुछ छुट्टी, और अभी सुबह से तेज हो गया है और कई पेशेंट अभी तक लगभग 20 से ज्यादा पेशेंट यहाँ आ चुके। और ऐसा मानना है कि नल के पानी में शुरू में जब नल आती है तो उस पर गंदा पानी निकलता है, उसके बाद फिर साफ पानी निकलता है। तो मोहल्ले वाले का भी मानना है कि पानी से ही ऐसा हो रहा है। करीबन 23 पेशेंट आए हैं, उसमें से 19 जन है उल्टी टट्टी के हैं, लेकिन सभी को उल्टी टट्टी नहीं रहा, कुछ को उल्टी हो रहा है, कुछ को टट्टी हो रहा है। तो उसमें से अभी गंभीर वाला कोई नहीं कि तुरंत अभी हॉस्पिटलाइज किया जाए, अभी अंडर कंट्रोल में है। और अभी एक 2 घंटा हो रहा है, अभी और मरीज आने की संभावना है।